नाम है श्वेता सिन्हा और मैंने कलर्स के ससुराल सिमर का इस शो में परी भारद्वाज का किरदार निभाया। मैंने 7 साल इस सीरियल में काम किया है, शुरुआत से लेके आखिर तक। और जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से विक्रम सिंह की तरफ से प्रोग्राम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, खास कर और आप बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं ये बताना चाहूँगी सबको कि दही हांडी का जो कार्यक्रम है उसमें मैं पहली बार गेस्ट बन के आई हूँ। मैं नवरात्र में गई हूँ, मैं बाकी सारे इवेंट्स में गई हूँ, लेकिन दही हांडी में मैं पहली बार आई हूँ। और यहाँ जो गोविंदाओं का जो उत्साह है वो देख के बड़ा अच्छा लगा। मैंने उनको ये कहा कि इसी तरह से जिस तरह से आप दही हांडी में उत्साह दिखाते हैं, उसी तरह से आप अपनी लाइफ में भी उत्साह दिखाइए और इसी तरह से आप चीज़ों को आसानी से हासिल कर सकते हैं। और इनकी जो यूनिटी होती है वो देखने लायक होती है। इससे हम लोगों को एक लेसन लेना चाहिए कि लाइफ में हमें हमेशा फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो, जो काम यूनाइटेड होके कर सकते हैं वो डिवाइडेड करके नहीं हो सकते। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, दैट इज हाउ इट गोज। तो कृष्ण गोपाल का हांडी का बहुत सारे गाने हैं, कोई ऐसा गाना जो आपको बुलाना चाहे आज के मौके में? मैं यशोदा माँ के नंदलाला के लिए गाना गाना चाहती हूँ, वो इस तरह से मोहे मोहे रंग दो लाल नंद के लाल लाल छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल मोहे रंग दो लाल नंद के लाल लाल छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल मोहे सबसे पहले हैप्पी राय की तरफ से आप सभी कृष्ण भक्तों को नमस्कार। आज बहुत ही पावन दिन है कृष्ण भगवान का और बहुत सारी चीजें यहाँ सजाई हुई है मीरा और बहुत सारे भक्त आए हुए हैं और पुरस्कार भी रखा गया है दही हांडी को लक्ष्य में। और मीरा रोड में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी आपको आयोजन किया है कितना खास किया और कितना आपको यहाँ पर आकर कितना ज़्यादा अच्छा लगा? एक्चुअली मेरा शो गाने का कहीं और था, बट यहाँ पर इतना प्यार मुझे मिला है विक्रम जी के यहाँ कि मुझे आना ही पड़ा एज ए 2 मिनट के लिए, बट आई। मैं फिर भी ये गाना मैंने सुनाया पब्लिक को, मैं गाना भी सुना देती हूँ आप सबको। और सबसे पहले हम भोजपुरी में भी गाई ना, तो भोजपुरी दर्शक लोग के भी स्पेशल नमस्ते। और गाना एक तो सुना दे सुन रे यशोदा मैया, सुन रे यशोदा मैया, तेरु नंद लाल रे कंकरिया से मटकी फोड़े, मदन गोपाल रे कंकरिया से मटकी फोड़े। मेरा नाम तनु प्रियंका है। प्रियंका जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से विक्रम जी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कितना भव्य लग रहा है क्योंकि हर जगह ये प्रोग्राम है, यहाँ पर आकर आपने क्या खास करा? यहाँ पे सबसे पहले बात है कि जो बच्चों के लिए जो एप्रिसिएशन है, जो अलग अलग फील्ड में जो बच्चे अचीव कर रहे हैं उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके उनको इनकरेज करने के लिए यहाँ पे जो कुछ भी किया जा रहा है वो काबिले तारीफ है। और दही हांडी तो वैसे भी बहुत ही ट्रेडिशनल ओकेजन है मुंबई के लिए और इतने बड़े लेवल पे इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और पार्ट ऑफ की सभी म्यूज़िक से रिलेटेड लोग यहाँ पर आए हैं और मैं भी हिंदी और भोजपुरी दोनों से आई एम अ सिंगर और मेरे बहुत सारे एल्बम्स आपको डी सीरीज से मिलेंगे, आप सुन सकते हैं। और यही कहना चाहूँगी कि इस तरीके का आयोजन होने चाहिए क्योंकि आज की डेट में प्रोत्साहन इनकरेज बहुत कम लोग करते हैं और ऐसे आयोजन होने चाहिए ताकि जो एक्चुअल टैलेंट है वो लोगों तक पहुंच सके कि हाँ वो एक्चुअल टैलेंट के अचीवर कौन है। तो जब उनको इनकरेज करेंगे तो जाहिर सी बात है आज जैसे ओलंपिक्स में या और जगहों पर जो मेडल्स आ रहे हैं इंडिया को, उसी तरीके से हर क्षेत्र में मेडल ही मिलने वाले हैं। तो विक्रम जी का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा क्योंकि मीरा रोड में अभी तक किसी ने इतने बड़े स्केल पे प्रोग्राम नहीं किया था। थाने में या दादर में मैंने बहुत ऐसे प्रोग्राम सुने थे लेकिन फर्स्ट टाइम हमारे मीरा रोड में भी जो इन्होंने ना भव्य समारोह जैसा इन्होंने रखा है, इतनी पब्लिक प्लस उन्होंने जो गर्ल चाइल्ड के लिए जिन्होंने अच्छा अचीव किया है पढ़ाई में भी, उसमें भी जो ये लोग साथ साथ ट्रॉफी भी देते जा रहे हैं सब बच्चों को जो उसमें से आ रहे हैं, उन लोगों का खास ध्यान रख रहे हैं, सिक्योरिटी का ध्यान
ध्यान रख रहे हैं काफ़ी, मतलब उन्होंने इतने अच्छे से करके इतनी सिक्योरिटी बुला के मीन्स जो प्रोग्राम का आयोजन किया है वो बहुत अच्छा है। ये आयोजन देख के बहुत ही खुशी हो रही है हमको, हम लोग कलाकारों को इतना सारा चांस मिला है, मैं दिल से इनको थैंक यू बोलूँगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा माहौल है, यहाँ के जो कमेडी है, यहाँ के प्रताप फाउंडेशन जो रखे हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कोई गाना सुनाना चाहेंगे जी? हम क्यों नहीं सुनाए, हम सिंगर हैं तो जरूर सुनाएंगे। गौजी नंदन राज दुलारी, सिद्ध करो सब काज हमारी, तनी नजरिया घुमाई इधर, भीड़ लगी मीरा रोड पे। ये मीरा रोड ही है ना? मीरा रोड है ना? भीड़ लगी मीरा रोड पे, दर्शन दिखाई दे, भीड़ लगी। बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू। बिल्कुल मैम, पिछले 9 सालों से प्रताप फाउंडेशन की पूरी टीम जो है मीरा रोड की धरती पे प्रताप फाउंडेशन का द्वारा जो है जो अपना दही हंडी का आयोजन हम करते हैं, बड़े पैमाने पे जो है यहाँ पे मीरा भाईंदर के शहरवासी यहाँ पर आते हैं और कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में गोविंदा पथक आते हैं और कहीं कहीं कई हजारों और या लाखों की संख्या में 2 बजे से जो है गोविंदा की टोली आते जा रही है, तथा साथ में यहाँ के लोकल जितने भी मीरा भाईंदर के रहवासी है सब लोग उनका उत्साहवर्धन करने के लिए पूरा परिसर ये भरा रहता है। निश्चित तौर पे ऐसा कल्चरल प्रोग्राम करने का जो है संकल्पना प्रताप फाउंडेशन लिया है और साथ ही साथ इसमें जितने भी पार्टिसिपेट करते हैं युवा करते हैं, ज़्यादातर मुंबई जैसे शहर में अपने कल्चर के तरफ युवाओं का अपना रुझान हो, इसलिए प्रताप फाउंडेशन हमेशा ये प्रयास करती है कि हमारा हमारे धरती के महाराष्ट्र का हमारे इंडिया के जो भी कल्चरल प्रोग्राम हो उसमें कहीं ना कहीं हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमारा यंग जनरेशन जो है उसमें पार्टिसिपेट करे। तो ये जो सर प्रताप फाउंडेशन पिछले 9 सालों से यहाँ पे दही हंडी का आयोजन करता है और हर साल उसका स्वरूप बड़ा होते जा रहा है। निश्चित तौर पे मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे मीरा भाईंदर के रहवासी तथा यहाँ के हमारे जितने भी सपोर्टर हैं मुझे बहुत ही अच्छा सपोर्ट करते हैं, हमारे फाउंडेशन को सपोर्ट करते हैं और ये दही हंडी पूरे मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र लेवल का आज हो चुका है। लाखों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं, फिल्म जगत के जितने भी स्टार हैं जिनको हम अभी तक हमने आमंत्रित किया है सब लोग हमारा उत्साह बढ़ाने यहाँ पर आते हैं। और मैं बता दूँ कि हमारा जो प्रताप फाउंडेशन NGO है उसमें गरीब बच्चों का एजुकेशन का काम करते हैं। पिछले 8 से 9 सालों में हम 250 से बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट करके PG करके निकाल चुके हैं और हमारे पास 23 ऐसे अंधी और अंधे कपल हैं जिनके दोनों आँख नहीं हैं, दोनों कपल के उनके बच्चों का और उनके परिवार का कपड़ा और खाना जो है प्रताप फाउंडेशन पूरे सालों साल देखता है। निश्चित तौर पे ऐसा काम हम सब इस प्रताप फाउंडेशन के माध्यम से करते हैं, उसमें यहाँ के जितने भी रहवासी उनका हमेशा सपोर्ट रहता है। तो महाराष्ट्र के अलावा और कहाँ कहाँ पे काम कर रही है प्रताप फाउंडेशन? हमारे उत्तर प्रदेश में जो है जनपद जौनपुर और उसके अगल बगल पूर्वांचल के क्षेत्रों में काम करती है, राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में काम करती है और महाराष्ट्र के आदिवासी इलाके में हमारा फाउंडेशन काम करता है और मुंबई जैसे शहर में काम करता है, क्योंकि मुंबई का युवा कहीं ना कहीं हमारे भारत का युवा लोग कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कैमरा घुमाएंगे तो सारे युवा यहाँ पर खड़े हैं, ये अपने कल्चर में बिलीव करते हैं, अपने कल्चर को कहीं ना कहीं उनको अपने कल्चर से प्यार है, लगाव है, लेकिन थोड़ा सा पहल अगर हम लोग करेंगे तो हमारा यंग जनरेशन जो है अपने कल्चर में लौट आएगा और हम लोग विश्व गुरु बनेंगे एक दिन भारत हमारा। कार्यक्रम के माध्यम से आप किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं संदेश देना चाहूँगा कि हमारा युवा जो है हमेशा अपने देश के लिए अपने इस शहर के लिए हमेशा तैयार रहे। अभी हमारे इस शहर का कौस्तुक राणे शहीद हुए और कहीं ना कहीं उनको मैं नमन करता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से। उस शहीद अंजम ने हमारे मीरा रोड और मुंबई का मान बढ़ाया है और अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दिया है, तो मैं युवाओं को मैं कहूँगा जो है कि हमें भी कौस्तुक राणे बनने का अगर कभी अवसर बने तो हमें कौस्तुक राणे बनना चाहिए और हम सब युवा जो है संकल्प करते हैं कि हमारे देश या हमारे इस शहर पे कभी भी आपत्ति आएगा हम सब कौस्तुक राणे बनेंगे, हम सब भगत सिंह बनेंगे जो है। मैं ऐसा मैसेज देना चाहता हूँ अपने फाउंडेशन के माध्यम से। तो जो गोविंदा आते हैं मटकी फोड़ने के लिए कहीं ना कहीं गिरते हैं, बहुत सारे लोग जख्मी भी होते हैं, इस बात के लिए कितना आप तैयार हैं? मैम यहाँ पर प्रिकॉशन है, कहीं ना कहीं अपना कल्चरल प्रोग्राम है, इसमें हमको पार्टिसिपेट भी करना है, मनाना भी है और सुरक्षित भी रहना है। जितने भी गवर्नमेंट नॉर्म्स है या फिजिकल जितने भी नॉर्म्स है सारे को हम लोग फुलफिल करते हैं, परमिशन लेने का काम या मेडिकल टीम का काम या हमने हाइट का एक लिमिटेशन रखा हुआ है। निश्चित तौर पे सारे नॉर्म्स को हम लोग सेफ्टी को देखते हुए हमारे कल्चर को हम बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कोई ना कोई गोविंदा थोड़ा सा माखन खाने के चक्कर में घायल होता है। निश्चित तौर पर मैं उन गोविंदा पथकों को मैं कहूँगा कि बहुत संभाल के अपने
अपने इस कला का प्रदर्शन करें और वो ऐसा ही करते हैं ईश्वर के आशीर्वाद से। आज तक यहाँ इस परिसर में कभी कोई गोविंदा को चोट नहीं लगी है और निश्चित तौर पर अगर चोट कभी लगा तो उसके लिए हम प्रिकॉशन यहाँ पर रखे हुए हैं। सबसे पहले अमरीश सिंह की तरफ से पूरे मुंबई वासियों को इस दही हंडी पे ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं बता दूं कि प्रताप फाउंडेशन की तरफ से जो हर साल की तरह इस साल भी आयोजन हो रहा है और मैं हर साल की तरह इस साल भी इस मंच पे उपस्थित हूँ सारे कलाकारों के बीच में। तो मैं विक्रम सिंह और सयावी पिंटू भैया और हमारे भूपेंद्र भैया इत्यादि सभी जो इस मंच के कर्णधार हैं मैं उनको लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे ही हर साल दही का हंडी और हंडी को तोड़ा जाए और यहाँ के लोग खुशहाली से तोड़ के अपना पुरस्कार लेके जाएं और सालों साल याद करते जाएं। और कोई एक गाना आज हमारे बीच में बिल्कुल मैं गाऊंगा, मेरे साथ बहुत अच्छी सिंगर है एमपी राय और मैं एमपी राय से कहूंगा कि ये दुगल बंजी में कुछ अच्छा सुर लगा के एक गाना सुनाए एमपी। थैंक यू हैप्पी राय जी। और मैं बता देना चाहता हूँ हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष छत्री महासंघ के हमारे करीबी और मेरे बड़े भाई स्वरूप, मैं इनका भी तहे दिल से पहली बार मुंबई में आए इस मंच पे तो इनका भी स्वागत है विक्रम सिंह की तरफ से, प्रताप फाउंडेशन की तरफ से। मैं इस परिवार का एक मेंबर हूँ उसी तरह हमारे बड़े भाई पहली बार कार्यक्रम में आया हूँ और बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कार्यक्रम को मुंबई में न्यूज में देखा था तो लेकिन सामने नहीं देखा था, मुझे देखा बहुत अच्छा लगा। सभी भारतीयों को सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई हुई है सब कुछ लोग भी आए हैं हमारी दृष्टि के हीरो हीरोइन एक्टर सिंगर मैं सबको दिल से थैंक करता हूँ। हमारे लोग आ जाते हैं तब प्यार करते हैं और हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। हम हर साल कार्यक्रम करते हैं कार्यक्रम के फाउंडर हमारे मामा प्रताप जी हैं जो प्रताप फाउंडेशन हमारा है। हम लोग हर साल हार्डिंग करते हैं और हर साल हमारे सभी लोग आते हैं प्यार सफा देते हैं हमको हमारी पब्लिक का दबा जनता है दर्शक है ऐसा ही प्यार सफा देते हैं। हम ईश्वर वाला आशीर्वाद ऐसा ही कार्यक्रम हर साल करते रहे। आपके चैनल को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दूसरा भगवान का कार्यक्रम है और कृष्ण भगवान का तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है हमारे मुंबई शहर में और बड़ी खुशी हो रही है। हम लोग ये मंदिर में भी त्यौहार मनाते हैं लेकिन मटकी फोड़ने का त्यौहार नहीं मनाते बस कृष्ण जन्म मनाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रताप फाउंडेशन के हमारे फाउंडर है विक्रम प्रसाद सिंह जी, वो हर साल सालों साल ये कार्यक्रम आयोजन करते हैं और उनका इस परिसर में अच्छा जन समुदाय है और ये अच्छे कार्य उनके हाथ से होते रहते हैं। हर प्रोग्राम हर जो भी उत्सव है वो अच्छी तरह से यहाँ पर मनाते हैं और मैं उनके प्रताप फाउंडेशन को शुभेच्छा देता हूँ। और ये जो दही काला उत्सव है ये मेरा पूरे महाराष्ट्र में अच्छी तरह से मनाया जाता है और खास करके थाना शहर बॉम्बे और भाईंदर मेयर यहाँ पर इस उत्सव को लोग बहुत अच्छे से खुशियों से मनाते हैं। 9-10 पहले तो 5-6 थैरी लगाते थे लेकिन अभी इस उत्सव में लोग 6-7-8-9 थर तक लोग दही हंडी का थर लगा के दही हंडी फोड़ते हैं। बात करेंगे तो
बात करें तो इस तरीके से आम जनता सारे उत्सवों को देखने के लिए काफी उत्साहित रहती है, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में कितना उत्साहित रहती है इन सारी चीजों और ये देखिए एक विक्रम जी से अलग रेवल्यूशन है, भाई की तरफ से और ये एक ऐसा होता है हम अपने ऑडियंस से मिले होते हैं आपके सामने होते हैं तो एक उत्साह ऐसे ही भरा रहता है कि हम अपने दर्शक जो हमको सिनेमा में देखते हैं जो हमको टीवी में देखते हैं वो आज हमारे आमने सामने है तो एक उत्साह अलग ही मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं अपने सारे श्रद्धाओं और सारे प्रणाम करता हूँ अपने घर के लिए पिछले साल में यहाँ पे आया था आशीर्वाद लिया और तमाम लोग हमारे अपने घर के लोग बहुत प्यार आशीर्वाद यहाँ मिलता है और मैं यहाँ पिछले साल गया था इस साल गया है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बस आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। थैंक यू। नया लेकर के आने वाले बहुत सारे फिल्में हमारी आ रही है, एक तो भी इस तारीख की हमारी फिल्म मूवी हो रही है इसके तो पैदल करती है और उसके बाद सारी मेरे साथ हो रहे थे अभी एक भी करने जा रहे हैं उसका काम चल रहा है तो बहुत सारा आगे काम बहुत सारे आ रहे हैं आप लोग मेरे सुनने के लिए बस ऐसे ही प्यार आशीर्वाद हमारे हमको काम लगते रहे आपसे जानना चाहेंगे का फर्क है कोई गाना गंदा नहीं होता है बस जहाँ सोचिए अच्छा सोचेंगे अच्छा मिलेगा हालांकि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से कि अच्छे अच्छे गाने गाएं जो कि हमने ये प्रयास होता है। कैमरे तेनाली रामा शेट्टी जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे तो आज मैंने जो ये कार्ड आई एम वेरी हैप्पी और मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मदिन आज मना रही है वो आगे भी आप ऐसे ही मनाए लेकिन हाँ उनकी कुछ कही हुई बातें हैं जिन्हें हम कभी ना भूलें जो हमें जीवन का सार दिखाती है सिखाती है हमें सच्चाई के रास्ते पर भी चलना चाहिए तो ये सब देखिए हम वेरी हैप्पी जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबके लिए। मैम आपका क्या संदेश रहेगा और मेरा नाम उर्वशी शर्मा है और मैं फिलहाल तेनाली रामा में काम कर रही हूँ। आज का दिन बहुत ही खास है, पर्सनली मैं कृष्ण भगवान को भी बहुत बिलीव करती हूँ एंड ये जो फेस्टिवल चल रहे हैं ये हमें एज ए सोसाइटी करीब लेके आते हैं और ये जो पूरा प्रोसेस है दही हंडी का ये मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ क्योंकि सब अलग अलग उम्र के लोग साथ में आते हैं और दही हंडी खोलते हैं हमें सीधा कृष्ण भगवान के उस बार मिले जाते हैं मंदिर में ये करते हैं। आई फील वेरी हैप्पी एंड ऑल द बेस्ट ऑल द पीपल हियर हु आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस आई एम वेरी वेरी हैप्पी। हिंदी फिल्मों में मैं काम करती हूँ और एपिसोडिक शो टीवी शो में काम करती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा इतना बड़ा मंच बहुत अनुभूति हुई और उसके बाद आप लोगों से बहुत अच्छा लगा कर्म करने वालों का सम्मान करते पर हमें इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए कि मुझे अवसर पे तमाम मेरा वेंडर की जनता को मैं शुभेच्छा देता हूँ और प्रताप फाउंडेशन के विक्रम प्रताप सिंह उनके सभी सहकारियों को भी इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन पे बहुत सारी शुभकामनाएं और इसी तरह से ये फाउंडेशन लोगों के हित में समाज के हित में
सर्वधर्म समभाव का काम करता रहे, यही आज के दिन में शुभेच्छा।